हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, क्विक एनर्जी अपडेट, ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। एंड बता देती हूँ, ये कलेक्टिव प्लस जर्नल रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर की अभी इस टाइम पे क्या एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की इस टाइम पे करंट फीलिंग क्या है उनके लिए, ठीक है। करंट एनर्जी देखेंगे हम। ओके, द हैंगमैन, द स्टार, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स और टू कार्ड्स और देख लेते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक से जो एनर्जी है इनकी वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स। काफी हैवी एनर्जी है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले जो मैं करंट जो अभी एनर्जी बता दी थी उनकी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, जो उनका देखने का जो नज़रिया है वो मुझे काफ़ी चेंज होता दिख रहा है। बिटवीन मटीरियलिस्टिक चीज़ें और जो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उन दोनों को ही इनका देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। इसका मेन रीज़न मैं बताती हूँ आपका क्या हो सकता है। हो सकता है ये पहले मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को मानते थे कि नहीं, पैसा, वेल्थ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ना उनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल रही है कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीस भी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपका पैसा या फिर ये चीज़ें नहीं चलती, वेल्थ ही नहीं चलती है, ठीक है। अभी मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कन्फ्यूज्ड वाली एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपनी ही चीज़ों को लेके, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके या फिर जो इन्होंने किया है उनको लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ये भी लग रही है कि आप लोगों के बीच में या तो थर्ड पार्टी है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप लोग इस टाइम पर लेस कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, मच पॉसिबिलिटीज। और अगर आपकी बात हो रही है तो बात में ज़्यादा झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको होप है, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है ना तो इनको कहीं ना कहीं होप है कि आपके और इनके बीच में सब कुछ सही होगा। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि इनको उम्मीद है, भगवान पे उम्मीद है, खुद के ऊपर भी उम्मीद है कि नहीं मैं मना लूँगा, अगर आप नाराज़ हो तो इनको ये लग रहा है कि कोई इशू नहीं है, मैं मना लूँगा। ये खुद को पीस चाहते हैं इस टाइम पे, चाह रही हैं कि खुद को काम में रखूं, इनकी एनर्जी ऐसी है। ये चाह तो रहे हैं, इनका बहुत स्ट्रांगली जो मन है, इनका मन यही है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, जो इनकी इस टाइम की बहुत ही आपका जो रिश्ता है उसको एक नए सिरे से ये बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और इस रिश्ते में इनको जो ये इमोशंस आ रहे हैं ये भी बहुत न्यू आ रहे हैं। इनको अपनी गलतियां रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट करा है। मुझे लग रहा है आपको बहुत हर्ट करा है, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को तो चीट किया है इस इंसान ने, और बहुत बुरे वाला चीट किया है, बहुत बुरे वाला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। यस,
बहुत ज़्यादा मुझे लॉस वाली कंडीशन में, 5 कप से मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉस वाली कंडीशन में है, ये खुद को बहुत लॉस लॉस फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का इनका मन नहीं है। इनका जो, अगर आपको लगता है कि यार ये, इनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, ये तो अच्छे से घूम फिर रहे हैं, ये है वो है, तो नहीं, ये सबके, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अगर ये सबके साथ भी है तो ये इंजॉय दिख रहा होगा कि इंजॉय कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, रिग्रेट इनको बहुत ज्यादा है। अगर आपके साथ इन्होंने गलत करा है, डेफिनेटली मुझे तो एनर्जी यही आ रही कि इन्होंने बहुत खराब लेवल पे आपको चीट करा है। एंड इस टाइम पे जो इनकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत रिग्रेट में है, ये रात को सो भी नहीं पाती होंगी, इतनी एंजाइटी इनको फील हो रही होगी। आप देख सकते हो, आपको दिखेगी, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक का कार्ड, आपको समझ आ रहा है कि इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है। इनका जो एनर्जी है वो बहुत बहुत ज्यादा इनको, यू नो, चीजों को लेके लॉस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि देयर इज द मच पॉसिबिलिटीज के होपलेस फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे हाथ में जैसे कुछ भी नहीं बचा। कभी इनको लगता है कि नहीं, उम्मीद है कि हो जाएगा सही, और फिर जब इन्हें ध्यान आता है कि इन्होंने क्या किया है, आपको कितना हर्ट किया है, देन इनको फील होता है कि शायद चीजें मेरे हाथ में अभी नहीं है। तो ऐसी ऐसी एनर्जीज फील हो रही है मुझे। साथ ही मुझे ये लग रहा है डेथ की एनर्जी से कि आप इनसे दूर हो चुके हो, आपने इनको क्लोजर दे दिया है, आप इनसे बात नहीं करोगे, इनको लग रहा है कि एंडिंग कर दी है आपने, इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया अपने हाथों से। वो इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ ना लिटरली हेल हो गई है, ऐसा एकदम से जो इनकी लाइफ में ये चेंजिंग आया है ना, इनकी खुद की वजह से आया है। अगर आप देख पाओगे, आप जिन जिन से भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेवार है उन चीजों के। और आप जो ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है, और ये इतना पेन में है, खुद में इतना फील कर रहे हैं पेन, कि सोचे कि कब इस पेन से वो निकलेंगे। मतलब एक जो हद होती है कि आप उस लेवल के पेन पे ये पहुंचे हुए हैं इस टाइम पे, इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है चीजों को लेके, ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं कि पता नहीं आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, और एंगर, चिड़चिड़ापन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया होगा। अगर कोई इनसे बात कर रहा है तो इनका किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने चीजें खराब करी है उसके बाद इनके अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो चुका है, बहुत फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर हो चुकी है, निराशा मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। इनको लग रहा है सब बर्बाद हो गया, सब, और मुझे लग रहा है कि पेन में बहुत ज्यादा है, लॉट्स ऑफ पेन। हो सकता है इनके हेल्थ भी कुछ सही ना हो इस टाइम पे, मच पॉसिबिलिटीज। और मुझे इसी के साथ साथ जो चीज लग रही है वो ये है कि जैसे आप देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड आपका क्या बता रहा है मुझे कि देखो ये टेंशन तो बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, पेन में है, डिप्रेशन में है, साथ में गिल्ट में भी है। 9 ऑफ सोर्ड आपका कहीं ना कहीं बता रहा है गिल्टी है, एंजाइटी है, मुझे लग रहा है रात को सो नहीं पाते होंगे, अलग अलग किस्म की इनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ठीक है, यस, बहुत, मैं बता रही हूँ ना, ये देखो एनर्जी इनकी, सो भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट इनकी जारी होगी, इंसोमिया। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ ना रुक सी गई है, मूवमेंट नहीं हो रही है जैसे लाइफ में, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अभी अगर मुझे सब कुछ सही करना है तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं पहले की तरह चीजें सही करूं। ऐसी एनर्जी इनकी मुझे आ रही है, यस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको हर्ट करा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मच पॉसिबिलिटीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको पता है सो ओके, बट किसी किसी के केस में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है कि बहुत बुरे तरीके से आपको चीट किया है। किसी किसी के केस में ये मदर इशू हो सकता है, जो उनकी मम्मी नहीं चाहती है कि
आप लोगों के बीच में चीजें सही हो, आई थिंक ये भी हो सकता है। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हो। और बहुत सारे इल्यूजन में आपको रखा हो, भ्रम में आपको रखा हो, बहुत सारे प्रॉमिसेस आपको किए हो और उसको लिटरली उस चीज से मुकर गए हो। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। अब देखते हैं महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो। ठीक है, ओके। ओके, पेज ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज। फोर ऑफ कप्स। देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके पास अभी आएंगे, माफी लेके आएंगे, अपना कप ऑफ लव आपको जरूर देंगे। डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रही है कि हड़बड़ाहट में जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक योर टाइम, क्योंकि जो आपने पेन सहन किया है वो आपको पता है कि आपने क्या चीजें फेस करी है, राइट? तो पहले खुद को काम रखिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी थी, जिसने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यस, वो इंसान वापिस आ रहा है, डेफिनेटली वो वापिस आ रहा है, पर कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, आप देखना भी नहीं चाहते हो मुड़ के। कुछ लोगों का एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि सोच समझ के देखिए और हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लीजिए, ठीक है? एंड यूनिवर्स पे फोकस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट की हो, एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, थैंक यू वेरी 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 मच। एंड जो इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आर फैमिली मेम्बर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।